अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप तो खैरियत से होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और घंटी के बटन को दबाना ना भूलेगा, ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो फ्री में देखने को सबसे पहले मिले। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। और मैं अपनी एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ, हजरे वादा। तो ये देखें, आज मैं आप क्या बना रही हूँ, आपने देख के कुछ अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज मैं कौन सी रेसिपी लेके आई हूँ। तो मैंने पहले, आपको याद होगा कि मैंने नरगिसी कबाब बनाना बताए थे आपको, और आज मैं उसी की चेन की एक कड़ी फिर लेकर आई हूँ आप लोगों के सामने। मैं ये बनाना चाह रही हूँ कि आज मैं आपको नरगिसी पकोड़े खिला दूँ। नाम तो आपको नया सा लगा होगा, लेकिन बहुत लजीज बनते हैं, बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं। बच्चों की छुट्टियाँ भी हैं, आप लोग बच्चों को खिलाएंगे बना के चाय के साथ टी टाइम में, तो बहुत अच्छा उन्हें लगेगा और ये सेहतमंद भी है। तो ये देखिए, मैंने ये एक अंडा लिया है, इसको मैंने बॉईल करके और ये इस तरह से ये पीस बना लिए हैं इसके। ये देखिए, ये पीस बना लिए मैंने इन्हें इस तरीके से। ये पीस बनाने के बाद मैंने इसको, अब देखिए कैसे इस्तेमाल करती हूँ। ये मैंने लिया है, ये 1 चम्मच मेरा नमक है, ये है क्या कहते हैं उसको, मसाला, चाट मसाला जिसे कहते हैं। ये देखिए, चाट, ये नमक और ये चाट मसाला, ये है 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और ये मैंने लिया है बारीक, देखें बिल्कुल बारीक पिसा हुआ पुदीना, और ये ज़ीरा साबुत है। उसके बाद मैंने ये 1 कप लिया है बेसन। तब ये देख मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से ही पकौड़े इसके बनाती हूँ, नरगिसी पकौड़े। तो आप देखते रहिए मुझे, आप ये, और फिर आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगे। ये भी उम्मीद, क्योंकि मेरे नरगिसी माशाल्लाह जो कबाब मैंने बनाए थे वो तो बहुत ज़्यादा पसंद किए गए, तो उम्मीद है कि ये भी मेरा जो रेसिपी बना रही हूँ एक नई, तो ये भी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो ये देखने चलते हैं, इस तरह नई सब चीज़ें मिक्स कर ली इसमें। अब इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा पानी मिलाऊँ, क्योंकि हमने ये है ना ज़्यादा पतला नहीं रखना है, जैसे पकौड़ों का रखते हैं इतना पतला नहीं रखना, थोड़ा सा ठीक रखना है, ताकि ये है ना आराम से इस पर ना लग जाए अच्छे तरीके से ही बेसन हो जाए। क्योंकि इसको ज़रा बहुत संभाल के बनाना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये आपने देखा है ना कैसे बारीक मैंने काटे स्लाइस, तो ये इस वजह से हमें ज़रा सा एहतियात करना। लेकिन बनने के बाद ये बहुत लजीज बनेंगे इंशाल्लाह, और बच्चे जब खाएंगे, आप खाएंगे, बड़े खाएंगे, बड़ों को तो ये ऐसी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। ये मैंने मसाला ऐसे डाला है कि बच्चों के हिसाब से बच्चे आराम से खा सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें कि भाई आप लोगों ने भी खाना है इसको, तो आप अलहदा से और इसमें नमक मिर्च डाल देंगे, स्पाइसी हो जाएगा, आप लोग स्पाइसी खा रहे हैं, लेकिन हम बच्चों को तो इतना स्पाइसी दे नहीं सकते। इस वजह से मैंने ना ये देखें इस तरीके से ही बनेंगे गाढ़ा गाढ़ा। मैं आपको इंशाल्लाह इसी तरह ये अंडे की चीज़ें बताती रहूँगी, आप तो ट्राई कीजिए, फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन भी ज़रूर आप दबाइए, ताकि आप ये रेसिपी हमारी आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। और आपको कमेंट्स भी किया करें कि भाई ये आपको चीज़ पसंद आई या क्या चीज़ आपको अच्छी लगी क्या नहीं लगी, ताकि हमारी रहनुमाई होती रहे और हम आगे चल के और आपको अच्छी अच्छी चीज़ दिखाते रहें। ये देखें, अब मैं इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए रख दूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इन्हें फ्राई किस तरह करना है। ये देखिए, ये मैंने डाल दी, और अभी मैं आपको और दिखाती हूँ कि कैसे मैंने डाले हैं, फिर कभी आप लोग कहें कि भाई ये नहीं दिखाया, तो ये ज़रा से बन जाते हैं, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि वो मैं और कैसे डालती हूँ, और मैं आपको दिखाऊंगी, देखें कितने लजीज बने और खस्ता बिल्कुल। बस ये स्लो फिर है चूल्हा, तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता पक रहे हैं। अब मैं ये दिखा देती हूँ आपको मैंने किस तरीके से डाला,
इसे एहतियात से उठाना पड़ेगा, और नहीं देखे टूट जाता। इसको ऐसे रखें हाथ पे, डिप नहीं करना है, क्योंकि जब डिप करेंगे आपकी सारी जर्दी इसके अंदर चली जाएगी, तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा। जब जर्दी नहीं होगी तो क्या मज़ा आना। इसलिए आप इसको ये देखें, अब इसको हमने ऐसे करके ये पलट लिया, पलटने के बाद ये देखें ये लगा लिया हमने, ये लगाने के बाद में ये ऑयल में डाल दूँगी। देखिए अब मैं दूसरा रंग निकालूँगी, बहुत आसान है, आप ज़रूर बनाइएगा। और फिर आप मुझे ये भी बताएं कि बच्चों ने पसंद किया, बड़ों ने किया, या आपको खुद बहुत पसंद आया। क्योंकि मुझे ऐसा अंदाज़ा है कि जिस तरह आप लोगों ने मेरे नरगिसी कबाब इतने पसंद किए, आप लोगों ने बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत जल्द ही बहुत पसंद करेंगे। अब मैं इसी की चेंज में और इंशाल्लाह आगे आपको चीज़ें बताती रहूँगी। जब आप लोग तारीफ करते हैं और हमें बताते हैं, हम नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते और कोई कमेंट्स नहीं देते, तो हम परेशान होते हैं भाई, हम इतनी मेहनत करते हैं, ना जाने आप लोगों को चीज़ें पसंद हैं। तो ज़्यादा आप लोग कंजूसी ना करें प्लीज़, सब्सक्राइब करें, बैठ के देखें और बनाएं, और फिर हम कमेंट्स में भी लिखें। कितना अच्छा बिल्कुल पकौड़े की तरह भून गया, ये हो गया आपके नरगिसी पकौड़े। आप ना बच्चों के सामने नाम देंगी तो बच्चे इतने खुश होंगे, और बच्चा ये कहेंगे कि नरगिसी कबाब तो हमने खा लिया, मामा ने खिला दिया भी, हमें आज क्या खिलाने जा रहे हैं। तो ज़रूर आप लोग बनाए बच्चों के। ये देखिए सब बन गए, ये पहले मैंने निकाल लिए थे ये वाले, ये देखें, और अब ये निकाल लिए तकरीबन सब बन चुके हैं। तो मैं ये इसको इस ये देखिए मेरे नरगिसी पकौड़े बन गए। आप देखिए अब ये मैं एक पकौड़ा आपको दिखाती हूँ काट के, ये देखिए कैमरे से ये खूबसूरती आई है। और जब बच्चे देखेंगे खाएंगे तो आप ये देखें, और आपको भी बहुत पसंद आई है। देखिए मैं ऐसे रख देती हूँ, अब आपको बहुत अच्छी तरीके से नज़र आ जाएगी। नज़र आ रहा है कैमरे से आपको, ये हमारे तैयार हो गए नरगिसी पकौड़े। नरगिस एक चेन चल रही है, अब मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तो नहीं कह सकती, नेक्स्ट टाइम हाँ ज़रूर मैं आपको इंशाल्लाह फिर ये नरगिसी चेन की कोई और खूबसूरत और बहुत मज़ेदार मैं आपको रेसिपी बताऊंगी। लेकिन आपने इससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन का बटन दबाना है और लाइक करना है। देखें शर्त यही है, आप लोग ताबुन हमारे साथ करें, हम यहाँ तक पहुँचें इंशाल्लाह ताला, हम अपनी मंजिल तक बहुत जल्द पहुँचेंगे। और आप लोगों को साथ ही आप हमारे रहेंगे इंशाल्लाह। रेसिपी देखिए, बनाइए, बच्चों को खिलाइए, बड़ों को खिलाइए, और कमेंट्स में दिखना मत भूलिए कि आपको कैसी लगी रेसिपी। इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। तो इस उम्मीद के साथ अल्लाह हाफिज़।